नमस्ते। सबसे पहले कोरोना की बात। देश में आज 3,52,000 से भी अधिक कोरोना के मामले सामने आए हैं और 3,600 से भी अधिक लोगों की मौत हो गई है। आज कोरोना महामारी के बीच 4 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश में कुल 882 विधानसभा सीटों पर चुनाव के नतीजे आए हैं। पश्चिम बंगाल में मतदान 8 चरणों में 27 मार्च से 29 अप्रैल 2021 के बीच हुआ था। एग्जिट पोल के नतीजों में अनुमान लगाया गया था कि ममता बनर्जी तीसरी बार पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री बन सकती हैं, लेकिन चुनावी नतीजे टीएमसी और बीजेपी में बहुत करीब के रहेंगे। अगर बात तमिलनाडु की करें तो आज तमिलनाडु की 234 सीटों वाली विधानसभा के लिए कुल 4,218 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला होना था। असम में एग्जिट पोल के अनुमान के मुताबिक बीजेपी सत्ता में बनी रह सकती है और चुनाव के नतीजे भी अभी तक भाजपा के ही पक्ष में आ रहे हैं। बात पुदुचेरी की करें तो यहाँ एनआर कांग्रेस के नेतृत्व वाली नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस की जीत की बात कही जा रही थी। चुनावी नतीजे बीजेपी के पक्ष में आते नजर आ रहे हैं। पश्चिम बंगाल के रुझानों में ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस 202 सीटों पर आगे है और बहुमत से काफ़ी आगे निकल चुकी है। वहीं बीजेपी और पीछे होकर 90 सीटों पर आ पहुंची है और कांग्रेस और वाम मोर्चा का तो अभी तक खाता भी नहीं खुला है। अभी तक के रुझानों में टीएमसी की सरकार बनती नज़र आ रही है, लेकिन ममता बनर्जी नंदीग्राम से पीछे चल रही हैं। तमिलनाडु में डीएमके मुख्यालय के बाहर जश्न का माहौल है। तमिलनाडु में एमके स्टालिन के डीएमके पार्टी के समर्थन चेन्नई स्थित पार्टी के मुख्यालय के बाहर जमा होकर विधानसभा चुनाव में अपनी पार्टी की जीत का जश्न मनाते नज़र आ रहे हैं। अब तक 234 निर्वाचन क्षेत्रों में से 225 सीटों के रुझान आ गए हैं, जिनमें से डीएमके 117 सीटों पर आगे है और एआईएडीएमके सिर्फ 75 पर आगे चल रही है। बीजेपी 4 सीटों पर है, वहीं कांग्रेस 13 सीटों पर आगे है। मतगणना के रुझानों में कांग्रेस को अब तक हर तरफ से निराशा ही मिल रही है। 5 राज्यों में हो रहे मतगणना के रुझानों में जो संकेत मिल रहे हैं वो कांग्रेस के लिए काफ़ी निराशाजनक हैं। निर्वाचन आयोग के अनुसार पश्चिम बंगाल में अब तक 275 सीटों के रुझान आ गए हैं, लेकिन कांग्रेस और सीपीएम के एक भी उम्मीदवार किसी सीट पर आगे नहीं चल रहे हैं। असम में भी कांग्रेस के लिए बुरी खबर ही है। असम में बीजेपी 80 सीटों पर आगे है, जबकि कांग्रेस महज 46 सीटों पर आगे चल रही है। केरल और राजस्थान ऐसे राज्य हैं जहां हर 5 साल में सत्ता बदलती आई है, लेकिन 25 साल में जो कभी नहीं हुआ वो केरल में इस बार देखने को मिल रहा है। केरल में 140 सीटों में से लेफ्ट 90 और यूडीएफ 45 सीटों पर आगे है। वहीं भाजपा, जिसके पास सिर्फ एक सीट हुआ करती थी, वो 4 सीटों पर आगे चल रही है। इस बार केरल में हर 5 साल पर सत्ता बदलने का ट्रेंड भी टूटता नजर आ रहा है। तमिलनाडु में विपक्षी डीएमके सत्ता में लौटने की तरफ बढ़ रही है, जबकि कांग्रेस महज 10 सीटों पर आगे है और पुदुचेरी में कांग्रेस सत्ताधारी थी और वहां भी महज 4 सीटों पर ही आगे है। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव के लिए मतगणना जारी है। प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं और इस लिहाज से इस चुनाव को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। 75 जिलों में 4 चरणों में संपन्न हुए पंचायत चुनाव जिला पंचायत सदस्य, क्षेत्र पंचायत सदस्य, ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत सदस्यों पदों के लिए चुनाव हुए हैं। चूंकि मतदान बैलेट पेपर से हुए तो इस बात की पूरी संभावना है कि नतीजे आने में काफी देरी लगेगी। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।